मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका आज के राशिफल में। दर्शकों, पंचांग के अनुसार आज 4 मार्च 2022 को फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले, आज के दिन पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है, तो वही दूसरी और आर्थिक मामलों को लेकर भाग्य आपका साथ देगा। नकारात्मक बातों का असर आपके काम पर नहीं पड़ना चाहिए। ऑफिस में इधर उधर की बातों को समय ना देते हुए कार्य में लगाना होगा। बिजनेस में बदलाव का समय है। समय पर भोजन और घर को नींद देना सेहत के लिए अति आवश्यक है। संतान के व्यवहार से आपको प्रसन्नता होगी। घर के बढ़ते खर्चों को लेकर वृषभ राशि वालों को आज के दिन अच्छी यादों को अपनी ताकत बनाना होगा। मेहनत का सार्थक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग सोच समझ कर करें। नौकरी पेशा लोगों को सम्मान प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक मामलों में पुराने निवेश से लाभ होगा। अपनों के बीच आपकी प्रशंसा होगी। युवाओं के सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। माइग्रेन के रोगियों को सिर दर्द की समस्या को लेकर परेशान रहना पड़ सकता है। तो वही मिथुन राशि वाले आज के दिन अपनों की भावनाओं को समझ पाएंगे। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। कर्म के साथ धर्म को भी दैनिक कार्यों में जोड़ना होगा। नौकरी पेशा लोगों को एक निगाह अपने विरोधियों पर रखनी होगी। आपकी एक छोटी सी भूल सामने वाले के लिए अवसर के समान। होटल रेस्टोरेंट से संबंधित व्यापार में आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। युवाओं का नए काम में मन लगेगा। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को परस्पर सम्मान की भाव को बढ़ाना होगा। तो वही कर्क राशि वालों को आज के दिन दूसरों पर अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को समझिए और तालमेल बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यापार करने वालों को लाभ मिलता नजर आ रहा है। व्यापारिक मामलों में पिता की राय माननी चाहिए। बड़े भाई से भी आपको लाभ मिल सकता है। सेहत में आज गरिष्ठ भोजन करने से बचे। नकारात्मक ग्रहों का कॉम्बिनेशन कब्ज जैसी समस्या दे सकता है। पारिवारिक जीवन काफी सुखमय रहेगा। सिंह राशि वालों में आज के दिन दूसरों के लिए समर्पण की भावना अधिक रहेगी। लोग आपके कार्य का लोहा मानेंगे। लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ सकते हैं। फाइनेंस से संबंधित नौकरी करने वालों को टारगेट पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए लाभ कमाने का समय है। नसों में खिंचाव, पेट दर्द जैसी समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी को क्रोध कम करने की सलाह देनी चाहिए। कन्या राशि वाले, आज के दिन कार्य बने या न बने आपको शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है छोटी छोटी बातों से अधिक क्रोध आए। ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्य को कल के लिए न डालें। कपड़ों से संबंधित व्यापार करने वालों को नया स्टॉक रखना चाहिए। लीवर के रोगियों को खान पान में संयम बरतने की आवश्यकता है। यदि पिता से आर्थिक सहयोग लेकर व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। तुला राशि वाले, आज के दिन मन सुख सुविधाओं को लेकर सजग रहेगा। यदि आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अवश्य जाएं। नौकरी पेशा से जुड़े लोग मल्टीटास्किंग नजर आएंगे। तो वहीं यदि आप टीम को लीड करते हैं तो अधीनस्थों की गलतियों पर क्रोध करने के बजाय समझना उत्तम होगा। सेल बढ़ाने के लिए कुछ ऑफर देकर ग्राहकों को लाभ दे सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन और फैशन से जुड़े व्यापार में लाभ अधिक मिलेगा। घर में मेहमान का आगमन हो सकता है। वृषभ राशि वालों को आज के दिन मन में उत्साह को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ग्रह बार बार आपको निराश की ओर ले जाने का मौका तलाश रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश लाभकारी होगा। भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शुद्ध पर कार्यों में लगे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपकी प्रतिभा लगन को देखकर उच्च अधिकारी प्रमोशन की बात कर सकते हैं। विदेशों में नौकरी करने वालों को शुभ सूचना मिल सकती है। सोने चांदी के व्यापारियों को आज कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। तो वही धनु राशि वालों को आज के दिन मन में आध्यात्मिक विचार को बनाए रखना है। तो वही दूसरी ओर मौका मिलने पर धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। ऑफिस में अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति विश्वास में कमी होने की आशंका है। वरिष्ठों की संगत और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। व्यवसाय में निवेश को लेकर प्लानिंग अच्छे ढंग से करनी चाहिए। गलतियों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापार को लेकर बड़ी डील होने की संभावना है। मकर राशि वाले, आज के दिन उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें, क्योंकि धन हानि होने की आशंका है। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने से आप मुख्य बातों से भटक सकते हैं। ऑफिस में काम का दबाव कम होने से राहत की सांस लेंगे। बॉस भी आपसे काफी प्रसन्न होंगे। होम डेकोरेशन से संबंधित बिजनेस करने वालों को सजग रहना चाहिए। अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है। सेहत में अधिक गर्म और ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है।
कुंभ राशि वालों को आज के दिन सभी को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण निर्णय में अपनों को शामिल करना ना भूलें। किसी बड़े केस में जीत मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऑफिस में कुछ तकनीकी कारणों से काम प्रभावित हो सकता है। व्यवसाय में फिलहाल बड़े निवेश करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से दांतों में दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं। घर में प्रसन्नता का माहौल रहने से आप खुद संतुष्ट रहेंगे। नजदीकी लोगों के व्यवहार से थोड़ी निराशा हो सकती है। जीवन साथी का सम्मान बढ़ेगा। आजीविका क्षेत्र में उन्नति मिलने की संभावना। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात आती है मीन राशि की। मीन राशि वाले आज के दिन आपके जीवन सुचारू रूप से चलाने में सफल होंगे। मनोरंजन से संबंधित सुख संबंधों में खर्च बढ़ता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सभी कार्य आपके अनुसार हो सकते हैं। ऐसे में सभी के साथ तालमेल और अच्छा प्रबंधन आपको ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा। व्यापार में उन्नति से संतुष्ट रहेंगे। खुदरा व्यापारियों को बड़े मुनाफे हाथ ला सकते हैं। आज हेल्थ को देखते हुए बिगड़े खान पान की आदतों पर नियंत्रण करना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ गंभीर बहस होने की आशंका है। तो दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, लेकिन आपका हर दिन कैसा बीतेगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।